हेलो आर्ट लवर, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप आर्ट फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्किल तो है, स्किल हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना एक स्टाइल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज हम एग्जाम्पल ले शेडिंग, तो शेडिंग में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मार्केट में जो बहुत अच्छा शेडिंग करते हैं और शेडिंग फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप उनसे अलग कैसे होंगे? आपका क्या स्टाइल है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एक अलग स्टाइल होगा तो आपको लोग फॉलो करेंगे और आपकी तरह से बनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले हमारे विश्वाल सर का, लेकिन उनका जो पेन स्केचिंग है वो कुछ अलग है, डिफरेंट है। बाकी लोग भी पेन स्केचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका अलग कैसे है? क्योंकि वो पेन में एक अलग स्टाइल दिए, अलग टेक्सचर दिए। ओके, तो वो बाकी से उनको अलग करता है। तो उसी तरह जब भी आप कुछ शेडिंग करते हैं या अलग तरीके से कुछ टेक्सचर देते हैं, तो वही आपका स्टाइल बन सकता है, या फिर आप अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से कुछ अलग कर सकते हैं, वही हमारा अलग स्टाइल बन जाता है। तो आज चलिए ऐसे ही हम लोग कुछ देखने वाले हैं कि हम लोग शेडिंग को कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे अलग अलग टेक्सचर दे सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आज मैं आपको 8 ऐसे शेडिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कुछ क्रिएटिव करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अब हम लोग शेडिंग के 8 टेक्निक को जानते हैं। तो इसमें मैंने 8 सर्कल बनाया है जिसमें हम एक एक करके देखने वाले हैं शेडिंग के टेक्निक को। तो पहला जो हमारा टेक्निक है वो है स्टैपलिंग। स्टैपलिंग का मतलब हो गया कि आपको डॉट डॉट दे करके वो जो सर्कल है उसको भरना है, उसमें देखना है आपको डेप्थ एरिया कौन सा है, लाइट एरिया कौन सा है, वो सारा चीज़ देख करके आपको उस टाइप का सेट करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्कल बनाया तो इसमें नीचे का एरिया है वो थोड़ा सा डार्क एरिया होगा, तो उसको मैं डॉट देख करके उसको थोड़ा सा डार्क एरिया बना रहा हूँ और ऊपर का लाइट रखा हूँ और प्लस शैडो भी ऐड कर रहा हूँ जिससे वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। यानी अगर राइट साइड से लाइट आ रहा तो लेफ्ट साइड में वो शैडो दिखेगा। ये जो हमारा टेक्निक था, ये हमारा टेक्निक में सबसे टफ टेक्निक है जो मैंने सबसे पहले बताया, जो स्टेपलिंग मेथड था। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग सेट कर सकते हैं। तो दूसरा टेक्निक है हमारा टेरी ट्यूरिंग, या इसको नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल शेडिंग, जो बेसिकली बिगनर जब स्टार्टिंग करते हैं शेडिंग करना तो इसी टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करके एक फ्लैट वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, या फिर लाइट या डार्क थोड़ा सा एरिया है उसको देने की कोशिश करते हैं। यही हमारा नॉर्मल शेडिंग कहलाता है। और ये जो टेक्निक है ये सबसे ईजी टेक्निक है, जो बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो इस टेक्निक का ही यूज करके शेडिंग करते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया सबसे टफ टेक्निक, दूसरा हो गया सबसे इजी टेक्निक। तो यहाँ पास हमारा नॉर्मल शेडिंग रेडी है। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट्स की ओर, तीसरा कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग शेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा शेडिंग जो है रेंडर लाइन टेक्निक। ओके, तो रेंडर लाइन टेक्निक क्या है वो चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, प्लस इसका प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आप उस चीज़ में मास्टरी कर पाए। क्योंकि शेडिंग करना और शेडिंग को परफेक्टली करना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पास जो लाइन है वो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करके इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं, और ये टेक्निक बहुत कम आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो शेडिंग करते हैं, जो बहुत सारे स्केचिंग बनाते हैं उसमें ये सब टेक्निक का यूज होता है, और यही सब टेक्निक आपके स्केचिंग को बाकी से अलग बनाएगा। ओके, तो अब इसमें हम लोग का जो चौथा टेक्निक है वो है सर्कुलिज्म। ओके, सर्कुलिज्म क्या है कि आप जब भी शेडिंग कर रहे हैं तो या तो पेंसिल या पेन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको ले करके जो सर्कल डायरेक्शन में घूमता है, घूम घूम के वो शेड करना रहता है, वही हमारा सर्कुलिज्म या स्क्रिबलिंग टेक्निक कहलाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग इस तरह का शेड कर सकते हैं। तो देखिए, पेन को जो मूव कर करके एक सर्कल बना बना के उस डायरेक्शन में सर्कल बना के एक शेड डाला जाता है, वही सारा चीज़ हमारा सर्कुलरिज्म या स्क्रिबलिंग टेक्निक कहलाएगा। तो इसमें आप जितना ज़्यादा डेप्थ डालना चाहते हैं किसी में डाल सकते हैं, लाइट रखना चाहते हैं लाइट रख सकते हैं। अब जो हमारा अगला टेक्निक है ये बहुत सारे आर्टिस्ट लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ही कॉमन शेडिंग है, जो होता है हैचिंग टेक्निक। ओके, तो हैचिंग टेक्निक बहुत सारे आर्टिस्ट लोग फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, और हैचिंग से ही मैक्सिमम स्केचिंग किया जाता है। तो जो नॉर्मल एक डायरेक्शन में एक लाइन दिया जाता है और उस हिसाब से उसका डेप्थ डाला जाता है, वही सारा चीज़ हमारा हैचिंग टेक्निक कहलाता है।
तो हैचिंग टेक्निक के लिए भी आपको लाइन का प्रैक्टिस करना होगा। लाइन परफेक्टली आना चाहिए, तब जा करके आपका वो परफेक्शन आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसी में अगला पॉइंट जो है हमारा क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग क्या है? लाइक हैचिंग, जैसे हम एक लाइन खींचे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन जाता है क्रॉस डायरेक्शन में, वही हमारा क्रॉस हैचिंग कहलाता है। तो ये ज्यादा अगर डेप्थ डालना है तो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग डाल सकते हैं, जिससे और ज्यादा डेप्थ आएगा। तो इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कॉन्ट्यूरिंग। कॉन्ट्यूरिंग क्या है कि जब हम कुछ शेडिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि ये यहाँ पर एक सर्कल है, ओके, तो सर्कल तो हम उसको किस तरह से शेड करें कि वो राउंड टाइप का दिखे, तो वही सारा चीज हमारा कॉन्ट्यूरिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है, तो मैं थोड़ा सा कर्व डायरेक्शन में एक लाइन दे रहा हूँ, वही सारा चीज कॉन्ट्यूरिंग कहलाएगा। तो कॉन्ट्यूरिंग भी लाइक हैचिंग की तरह ही है। हैचिंग में एक नॉर्मल लाइन दिया जाता है और कॉन्ट्यूरिंग में थोड़ा सा उसको कर्व दिया जाता है। जैसे कि ये बेसिकली यूज हो सकता है आपका हेयर ड्राइंग में, जैसे कि आपको हेयर ड्राइंग करना है तो ये बहुत ज्यादा काम देने वाला है आपको। या फिर माइक का भी देख सकते हैं, माइक में जो एक लाइन जाता है वो किस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप में रहता है, तो वही सारा चीज आपका कॉन्ट्यूरिंग कहलाएगा और ये काफी हेल्प करेगा आपको। और जो हमारा सबसे लास्ट टेक्निक है वो है क्रॉस कॉन्ट्रिंग। और क्रॉस कॉन्ट्रिंग भी क्रॉस हैचिंग की तरह ही है। क्रॉस हैचिंग में हमारा नॉर्मल लाइन देते हैं और इसमें हल्का सा कर्व ऐड करते हैं, तो यही बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी और कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस भी करना होगा, तब जा करके आप वो परफेक्शन लेकर के आएंगे। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको और चार ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग फॉलो करते हैं। लाइक आप विश्वाल सर को देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में सर्च मार के देख सकते हैं विश्वाल सर का शेडिंग के बारे में, तो उनका शेडिंग कुछ अलग है। तो वही चार टेक्निक मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, तो ये टेक्निक को भी आप यूज कर सकते हैं अपने शेडिंग में, ओके। तो देखिए पहला जो टेक्निक है हमारा, उसमें नॉर्मल सर्कल दे दे करके एक शेडिंग किया जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम में विश्वाल लिख के सर्च करेंगे तो उनका आप टेक्निक देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप फॉलो करना है तो फॉलो भी कर सकते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो उनको देखिएगा, उनका ड्राइंग को देखिएगा, प्लस प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ उनका ही टेक्निक है, जो मैं अभी प्रैक्टिस करके अपने आर्ट को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा दूसरा टेक्निक है वो है लीफ का, ओके, मतलब पत्ता का एक शेप दे करके एक अलग टेक्सचर देना। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही सब टेक्निक को यूज करना है, आप कुछ अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से कुछ अलग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। आपको माइंड में जो भी कुछ अलग शेप्स आ रहा है तो वो सारा चीज इंप्लीमेंट करके आप अपने जो आर्ट है उनको बाकी से अलग बना सकते हैं। और इसको अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो जैसे कि लीफ का भी शेप्स का अलग अलग, जैसे कि आप बिगनर बनाएंगे तो लीफ का शेप्स अलग आएगा, लेकिन एक एडवांस जो टीचर है जो बहुत सालों से पेंटिंग कर रहे हैं उनका लीफ का शेप्स ही अलग आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टेक्निक। तो अगला जो टेक्निक है वो रेंडर किसी भी तरह का आप लाइन दे करके किसी भी तरह का, जैसे मैं यहाँ कोन्स का एक शेप दे करके बना रहा हूँ, वैसे आप कोई भी शेप से अपने माइंड के हिसाब से डाल सकते हैं, वही सारा चीज आपका टेक्निक कहलाया जाता है और वही चीज आपको डिफरेंट बनाता है। और एक चीज, मैं यहाँ पर जो भी टेक्निक का यूज किया हूँ वो नॉर्मल सर्कल शेप्स लेकर के किया हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पास पोर्ट्रेट लाते हैं, अगर पोर्ट्रेट में आपको ये सारा टेक्निक को यूज करना है तो वहाँ पास कुछ डिफिकल्टी आ सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पास लाइट एरिया, डार्क एरिया, हाईलाइट कहाँ है, वो सारा चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो वहाँ पास थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है ये सारा टेक्निक में। तो ये चीज आप कैसे जानेंगे? तो इसके लिए भी अगर बोलेंगे तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हर एक टेक्निक अगर बोलेंगे तो मैं हर एक टेक्निक के लिए भी एक एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको हर एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा कैसे लाइट एरिया, डार्क एरिया ऐड करें और कैसे इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिख के जरूर भेजिए, ताकि मैं समझ सकूं कितने लोग इंटरेस्टेड है, ओके। तो मैं उसके लिए भी जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए, अभी तक तो हमारा जितना टेक्निक है वो सारा चीज हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स भी समझ में आया होगा। तो अभी तक यहीं तक रहने देते हैं, तो चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।